जिला में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जल शक्ति राजसभा बागवानी व सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित जिलों में कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन के साथ बैठकें कर इस महामारी के प्रति ठोस कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि जिला में अभी तक 32,108 कोरोना संक्रमण के परीक्षण किए जा चुके हैं, जिसमें वर्तमान में 1997 पॉजिटिव व 580 एक्टिव होम आइसोलेशन में 525 के अलावा जिला में 7 डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटरों में सिर्फ सदियाना में 13, धुनाग में 3, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 25 रोगी हैं। जिला में गंभीर रोगों से पीड़ित 28 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई है। जिला में 31 चिकित्सक को मिलाकर पैरा मेडिकल के लगभग 125 व्यक्ति पॉजिटिव आए थे, जिनमें से 114 ठीक हो चुके हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को चिन्हित करें। यदि इन पीड़ितों में कोई संक्रमण के लक्षण नजर आए तो उसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दें। उन्होंने जनसाधारण से अपील की है कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग अवश्य करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, समय-समय पर अपने हाथ अच्छी तरह से धोते रहें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए संबंधित विभाग बेहतर तालमेल से कार्य करे ताकि जिला को शीघ्र कोरोना मुक्त किया जा सके। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने जिला में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे कारगर उपायों के बारे में विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेरचौक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आरसी ठाकुर ने अवगत करवाया कि कॉलेज में चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्टाफ के 108 पदों को भरने का आग्रह किया। उन्होंने कॉलेज में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए रोगियों के डिस्चार्ज होने पर उन्हें एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। 12 मंत्रियों की जो है जिला कि वो लगातार अपने अपने जिले जहाँ उनकी ड्यूटी लगी हुई है वहाँ अधिकारियों के साथ बैठ करके, डॉक्टर्स के साथ बैठ करके जो है वो समीक्षा बैठकें करें। उस समीक्षा बैठक में आज जिला मंडी की हमारी समीक्षा बैठक हुई है। हमारे मंडी जिला के अंदर इस वक्त लगभग 580 एक्टिव केसेस हैं और 28 लोग ऐसे जो क्रॉनिक बीमारियों की वजह से बीमार हैं और वो कोरोना पॉजिटिव आए, उनके कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से जो है वो उनकी 28 लोगों की हमारे यहाँ पर डेथ हुई है। हमारी हमारी सरकार ने और विशेष करके मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने कोरोना की इस लड़ाई में सबसे पहले इतना काम जिन्होंने किया, वो सुबह 8 बजे जो है वो अपने आवास में उनका कार्यालय वहाँ बैठ जाते थे और कभी कभी तो मैं देखता था कि रात के 11, 12 और 1 बजे तक जो है वो दफ्तर से उठते नहीं। उनके जो अथक प्रयास थे, उनके अथक प्रयासों की वजह से जो है हिमाचल प्रदेश इस कोरोना महामारी से जितनी यहाँ पर नुकसान हुआ था उससे मुख्यमंत्री ने बताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर अथक प्रयास किया है पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और अब जो कोरोना महामारी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी है, इसके कई कारण हैं। बाहर से जो हमारे मजदूर आए हैं, विकास कार्यों की जो योजनाएं हमारी हैं उनमें से कुछ पॉजिटिव निकले। हमारे ऐसे लोग जो बाहर हमारे नौकरी करते थे, प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, जब उनको जब इस राष्ट्र के बीच में सभी राज्यों की सरहदें खोल दी गई तो वहाँ से जो हमारे लोग आए जिनके अपने परिवार यहाँ परिवार जन यहाँ थे तो उनमें से कुछ जो पॉजिटिव निकले और उससे जो है फिर आगे जो है वो कम्युनिटी स्प्रेडिंग पर जो है बढ़ रहा है। लेकिन हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के अथक प्रयासों से जो है अब इस पर काबू पाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमने आज एक नारा दिया है कि कोरोना मुक्त मंडी को करना है ताकि मंडी जिला से पूरे प्रदेश की शुरुआत की जाए, जो जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल कहा है वैसा ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। वैसी गाइडलाइन जो आज हमने अपने सभी अधिकारियों को और डॉक्टर्स को दी है कि हमारे जितने भी आंगनवाड़ी बालवाड़ी के जो हमारी बहनें और बेटियां हैं और आशा वर्कर्स हैं उनसे उनको हमने कहा है कि
उनका कार्यक्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में होता है और वो एक चिन्हित सा कार्यक्षेत्र होता है।